जिस बात से बात न हो तुम्हें मेरी कसम। तू है दीवाना खुद से बेगाना। अरे दिन में लेती है रात में लेती है दिन में। कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। ऐसी वैसी नजरों से देखा तूने मुझको तो दिल में ये कुछ कुछ होने लगा। लेकिन चुप चुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं 90 के दशक की बोल्ड और खूबसूरत अभिनेत्री फरहीन खान की। इनका जन्म साल 1973 में चेन्नई के एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनकी शक्ल सूरत काफ़ी हद तक अभिनेत्री माधुरी दीक्षित से मिलती जुलती थी। माधुरी दीक्षित 90 के दशक में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, इसलिए इन्होंने करियर के तौर पर अभिनय को चुना और साल 1992 की फिल्म जान तेरे नाम में अभिनय किया। इस फिल्म में इनके अभिनय के साथ साथ इनकी खूबसूरती की भी तारीफ हुई और ये रातों रात करोड़ों युवा दिलों की धड़कन बन गई। फिल्म में इनके साथ अभिनेता रोनित रॉय थे और फिल्म के सभी गाने सुपरहिट रहे जो श्रोताओं द्वारा आज भी पसंद किए जाते हैं। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाए। कल कॉलेज बंद हो जाएगा तुम अपने घर को जाओगे। दिल क्या चीज है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है। फर्स्ट टाइम देख माना के कॉलेज में पढ़ना चाहिए। लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आए। जान तेरे नाम की सफलता के बाद इनको फिल्मों में काम मिलने लगा था और साल 93 में इन्होंने फिल्म आग का तूफान, मेरी आन, दिल की बाजी, तहकीकात और सैनिक में अभिनय किया था। साल 1993 में रिलीज इनकी कोई भी फिल्म कमाल नहीं कर पाई, इसलिए साल 1994 में इनको मात्र 3 फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं मिली, जिनमें पहली फिल्म थी फौज, दूसरी अमानत और तीसरी साजन का घर। लगाया होगा तुझको सताया होगा। साल 1995 में इन्होंने 2 फिल्मों में अभिनय किया था, एक थी नज़र के सामने और दूसरी थी अग्नि प्रेम। फिल्म नज़र के सामने में इनके साथ अभिनेता अक्षय कुमार थे। इससे पहले साल 1993 की फिल्म सैनिक में ये अक्षय कुमार की बहन का किरदार कर चुकी थी। इन्होंने अक्षय कुमार की बहन और प्रेमिका दोनों का किरदार किया था। दिल धड़के कुछ कह नहीं पाओ, कहते कहते धीरे धीरे बात बढ़ी। साल 1995 की फिल्म नजर के सामने और अग्नि प्रेम भी बुरी तरह फ्लॉप रही थी। कहने का मतलब है कि जान तेरे नाम के अलावा इनकी कोई भी फिल्म सफल नहीं हो पाई। पहली फिल्म में इनको सफलता रोनित रॉय के साथ मिली थी, इसलिए इन्होंने रोनित रॉय के साथ साल 1993 में फिल्म तहकीकात और सैनिक में अभिनय किया था, लेकिन ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप रही थी। इसी दौरान इन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन वहाँ पर भी भाग्य ने साथ नहीं दिया। बताया जाता है कि फिल्म बाजीगर में पहले शिल्पा शेट्टी वाला किरदार इनको ऑफर किया गया था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया था। इनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, इसलिए साल 1996 की फिल्म अग्निप्रेम के बाद
इन्होंने ना तो फिल्मों में अभिनय किया और ना इनको फिल्मों में अभिनय करने का मौका मिला। इन्होंने साल 1997 में क्रिकेटर मनोज प्रभाकर से शादी कर ली और दिल्ली चली गई थी। मनोज प्रभाकर 26 सालों तक भारतीय क्रिकेट टीम में खिलाड़ी रहे थे। मनोज प्रभाकर पहले से शादीशुदा थे, उन्होंने साल 1986 में संध्या से शादी की थी। फरीन खान मनोज प्रभाकर से शादी करने से पहले उनके साथ 6 साल तक लिव इन में रही थी। जब प्रभाकर की पत्नी संध्या को इन दोनों के प्रेम के बारे में पता चला तो उन्होंने मनोज प्रभाकर से अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे और तलाक ले लिया था। एक रंग खुशी का आता है, एक रंग खुशी का जाता है। फरीन बॉलीवुड में तो अपने पैर नहीं जमा पाई, लेकिन दिल्ली जाकर बिजनेस में अपने पैर अच्छे खासे जमा लिए। ये दिल्ली की जानी मानी बिजनेस वुमेन है। ये नेचुरेंस हर्बल्स नामक कंपनी की मालकिन है। हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इनकी कंपनी का नाम काफ़ी चर्चित है। इन्होंने ये कंपनी 22 साल पहले अपने पति के साथ शुरू की थी और धीरे धीरे इसका नेटवर्क बढ़ाती जा रही है। खबरों की माने तो इनकी कंपनी का टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। शादी के बाद इन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया था, एक का नाम राहिल और दूसरे का मानवंश। मनोज प्रभाकर का एक बेटा पहली पत्नी से भी है जिसका नाम रोहन है। रोहन और उसकी पत्नी भी इनके साथ दिल्ली में ही रहते हैं। मीडिया खबरों के अनुसार फिल्म जान तेरे नाम के डायरेक्टर दीपक बलराज विज ने इनसे फिल्म के सीक्वल में काम करने के लिए बात की थी, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि वे माँ की भूमिका नहीं करना चाहती हैं। ये मीठा मीठा दर्द मुझे दिन रात यही तड़पाएगा। फिल्मों में सफलता नहीं मिलने पर फरीन का बॉलीवुड छोड़ने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। अगर ये बॉलीवुड नहीं छोड़ती तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि ये माधुरी दीक्षित की शक्ल सूरत के दम पर आई थी और जब असली माधुरी दीक्षित बॉलीवुड में थी तो फिर कोई इनको फिल्मों में क्यों लेगा, जबकि इन्होंने अभिनय की किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं ली थी। पहली फिल्म का सुपरहिट होना महज एक संयोग था, उसमें गाने अच्छे थे और उसकी कहानी अच्छी थी। ऐसा बहुत से कलाकारों के साथ हुआ कि पहली फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो जाती है लेकिन आगे की एक भी फिल्म एवरेज भी नहीं रह पाती है, और जिन अभिनेता अभिनेत्रियों की शुरुआत की फिल्में फ्लॉप रही हैं उन्होंने आगे चलकर इतिहास रचा है, जैसे शम्मी कपूर, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन। शम्मी कपूर के तो पिता और भाई स्थापित थे, लेकिन अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र का कोई भी गॉडफादर बॉलीवुड में नहीं था। एक समय ऐसा भी आया जब ये दोनों मुंबई छोड़कर अपने शहर वापस जाना चाहते थे, लेकिन बॉलीवुड में कुछ अच्छे लोगों के सहयोग से इन्होंने मेहनत करना जारी रखा और आज इनका नाम इतिहास में दर्ज है। अमिताभ बच्चन को सदी का महानायक कहा जाता है तो धर्मेंद्र को ही मैन कहा जाता है। अपन बात कर रहे थे फरीन खान की, तो फरीन खान को आज फरीन प्रभाकर कहा जाता है। बॉलीवुड में इनको केवल एक फिल्म के लिए जाना जाता है, लेकिन ये पहचान भी अपने आप में कम नहीं है। फिल्म के गाने और कहानी आज भी दर्शकों को पसंद आती है। कामना करते हैं कि फरीन को फिल्मों में भले ही ज़्यादा सफलता ना मिली हो, लेकिन व्यापार में उनको दिन दुनी और रात चौगुनी सफलता मिले।